So here are the ingredients. I'm using jaggery, some dry fruits, in which I have added almonds, kishmish, and some. Here is the shakarkandi. I'm using 3 shakarkandis. So here's a boiled shakarkandi. Let's mash it. I'm preferring fork. सबसे बड़ी बात है इस रेसिपी की कि ये शुगर फ्री रेसिपी है. इसके अंदर कोई फैट्स नहीं है. इट कंटेन्स ऑल एंड ऑल हेल्दी फैट्स. सिर्फ ये हेल्दी फैट्स कंटेन करता है. और शकरकंदी इटसेल्फ इज वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी. स्टार्ट विद द रेसिपी. हियर आई एम एडिंग 1 बिग स्पून ऑफ घी. लेट्स मेल्ट इट ऑल. हमें तब तक वेट करना है जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता. You're a picture in a frame. I told you earlier that ghee is very important for your body. It contains very healthy fats, very good fats. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Here it is. You're animating principles. We add nowhere to be seen. जैसे आप देख सकते हो ऑयल मेरिट हो चुका है. हमने शकरकंदी ऐड कर दी है सारी की सारी जो मैश शकरकंदी थी. बस अब इसको हमने थोड़ा सा सॉटे करना है. और हमने इसको अपने मीडियम हीट पैन को रख के सॉटे करना है. हमें कैसे पता चलेगा कि शकरकंदी जो है सॉटे हो चुकी है. वो एक अलग सी फ्रेगनेंस देगी, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस देगी. और उसका टेक्सचर बहुत डिफरेंट हो जाएगा. जब आप टच करोगे ना तो उसका टेक्सचर बहुत डिफरेंट लगेगा. एज वेल एज वो टेस्ट में भी बहुत डिफरेंट लगेगी. तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि दैट हमारी शकरकंदी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है. अब उसके अंदर वाटर ऐड कर सकते हैं. तो हियर आई एम मैशिंग माई शकरकंदी. हमने बहुत अच्छे से इसको मैश करना है, जितना हो सकता है उतने अच्छे से मैश करना है ताकि उसके अंदर कोई लम्स ना रहे. और बिल्कुल ये जो है हलवे जैसा टेस्ट दे, उतना ही अमेजिंग टेस्ट दे, फ्लेवर दे. सो मैंने यहाँ पे एक साइड में एक पैन रख दिया है जिसके अंदर आई एम एडिंग वाटर. हमने पानी बहुत कम लेना है, नॉट ज़्यादा हलवे की, क्योंकि हलवे में हम जैसे है पानी बहुत ज़्यादा लेते हैं तो इसके अंदर बट हम नहीं लेंगे क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्स है, ऑलरेडी ये बॉइल्ड है. तो हम नहीं लेंगे इसके अंदर ज़्यादा पानी. हमने वो भी सिर्फ जैगरी मिक्स करने के लिए हमने वो पानी लिया है. जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है हमने तब तक इसको अच्छे से मैश करते रहना कंटिन्यूअसली. ये एक गुड ऑप्शन है, आप अपने फास्ट के अंदर ले सकते हैं एंड नवरात्रि फास्ट में आप ले सकते हैं. वैसे अगर आपका मन करे सर्दियों में तो सर्दियों में खा सकते हैं. सर्दियों में अगर हम इसका इनटेक लेते हैं तो इट्स वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है. तो यू गैस कैन सी मेरा पानी ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है और यहाँ पे मेरी शकरकंदी भी ऑल रेडी है. तो लेट्स ऐड जैगरी पाउडर. तो मैं अपने जैगरी डाल रही हूँ, वो भी थोड़ा सा एस्टिमेट से डाल रही हूँ मैं, कोई अंदाजे से डाल रही हूँ. तो बिल्कुल मीठा कम हमने ऐड ऑन करना है क्योंकि ऑलरेडी शकरकंदी जो होती है वो ऑलरेडी इतनी स्वीट होती है. हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी वैसे भी इसकी ऐड करने की, बट जस्ट फॉर अ गुड टेस्ट आई एम एडिंग इट. क्योंकि जैगरी भी अपना एक गुड फ्लेवर देती है, गुड कलर देती है, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग इट. सो हमें तब तक वेट करना है जब तक हमारा ये जैगरी का वाटर अच्छे से बॉयल नहीं हो जाता, तब तक हमने वेट करना है. तो हियर माई शकरकंदी इज गेटिंग रेडी, जो मैं कंटिन्यूसली मैश कर रही हूँ और एक मीडियम हीट पे रख के हमने इसको मैश करना है. तो हियर यू कैन सी पानी जो है वो अच्छे से बॉयल होने लग गया है. तो हमने इसको मिक्स करना है ताकि कोई जैगरी के लम्स ना हो इसके अंदर. आप देख सकते हो हमारी शकरकंदी जो है पैन पे स्टिक नहीं हो रही है. इट मीन्स दैट इट इज रेडी. तो ये रेडी हो चुकी है. तो हम अपना ये जो है जैगरी वाला वाटर है इसके अंदर ऐड कर देते हैं. सो लेट्स ऐड इट. मैश हो चुका है, ये अच्छे से हो चुका है. एक बार ही रीचेक करना था. तो ये अच्छे से मैश हो चुका है. तो नाउ वी कैन ऐड आवर जैगरी वाटर इजीली. Let's add it.
अब ये जो टाइम है इसके अंदर हमने इसको कॉन्टिन्यूसली मिक्स करना है ताकि हमारी जो शकरकंदी है उसके कोई भी लम्स ना रहे, कोई भी लम्स ना रहे। तो हमने अच्छे से मैश करते रहना है, जैसे हम आटे का हलवा बनाते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही करना है हमने। आटे के हलवे में भी हम कॉन्टिन्यूसली मिक्स करते ही रहते हैं ताकि उसके अंदर कोई लम्स ना हो ज़्यादा। तो इसको भी हमने ऐसे ही मैश करना है। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। ऐसा लग रहा है इस हलवे के अंदर हमने केसर डाला है, बट ये नेचुरल ही एक ऐसा कलर दे रहा है। तो ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छा होता है खाने में, बहुत अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है। सर्दियों में तो इट गिव्स यू अमेजिंग फ्लेवर, अमेजिंग फील। सो मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर लिए हैं, जिसके अंदर मैंने एलमंड्स ऐड करी हैं, किशमिश ऐड करी हैं, थोड़ी सी जो सोक्ड मूंगफली थी, पीनट्स थे, वो ऐड किए हैं। तो अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है। देख के हमें लग भी रहा है कि दैट इट इज ऑल रेडी टू सर्व, बट अच्छे से जब तक ठीक नहीं हो जाता, चलो तब तक और मैश कर लेते हैं इसको हम मिक्स। हमने कॉन्टिन्यूसली इसको मिक्स करते ही रहना है जब तक ये अच्छे से रेडी नहीं हो जाता, कोई लम्स नहीं रहते। हमने चेक करना है कि कोई लम्स ना रहे, अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। सी कितना अच्छा लग रहा है ये हलवा, दिखने में बहुत अच्छा है तो टेस्ट में भी कितना अच्छा होगा ये हलवा। ऐसी ही और रेसिपीज में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एज वेल, और नीचे जो बेल आइकन है प्लीज। I've enjoyed the